सिंगरौली जिले के वरिष्ठ पत्रकार एबीपी न्यूज़ के जिला संवाददाता देवेंद्र पांडे को जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जम पत्रकार संघ का जिला अध्यक्ष व कृष्णा दुबे को जिला महासचिव नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष खिलावन चंद्रकार के द्वारा की गई। विगत 10 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय योग्य अनुभवी पत्रकार देवेंद्र पांडे ने स्वतंत्र निर्भीक बेबाक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। देवेंद्र पांडे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देवेंद्र पांडे को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर जिले भर के पत्रकारों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। साथ ही जंप के प्रदेशाध्यक्ष एवं महासचिव ने भी उन्हें बधाई संदेश दिया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष देवेंद्र पांडे ने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन में जिला की कार्यकारिणी टीम में महासचिव कृष्णा दुबे, जिला उपाध्यक्ष सयूद खान, रजनीश पांडे, सचिव मनीष पांडे, सूरज शुक्ला एवं कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी प्रभाकर तिवारी को दी है। साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों एवं पत्रकार संगठन की सदस्यता दिलाई, जिसमें राकेश नामदेव, नीलेश जितेंद्र चौबे, मनोज दुबे, विकास द्विवेदी, रविंद्र नीरज सहित कई लोगों शामिल हो रहे। इस दौरान पत्रकारों के हितों को लेकर एवं जिलों के पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमले को लेकर देवेंद्र पांडे ने कहा कि यह संगठन के बैनर तले समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य को पत्रकारिता के पाठ पढ़ाया जाएगा। साथ ही पत्रकारों के साथ हो रही बदसलूकी विवाद को रोकने एवं जिला प्रशासन के साथ मिलकर पत्रकारों की सुरक्षा एवं पत्रकारों के हित के कार्य करने का प्रयास करेंगे एवं पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने सारे पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि नई जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है जिला अध्यक्ष की, तो मैं पूर्णतः इसका निर्वहन करूँगा और पत्रकारों के लिए जो समस्याएं पत्रकारों की होगी जिला स्तर की, उसको मैं शासन स्तर तक, प्रशासन स्तर तक ले जाऊँगा और उनकी समस्या का निदान करूँगा। इसके साथ ही जिले में पत्रकार भवन नहीं है, तो हम प्रशासन से, अपने संगठन के माध्यम से, प्रदेश सरकार से भी मांग करेंगे कि सिंगरौली जिले में पत्रकार भवन का निर्माण, पत्रकार को रहने के लिए पत्रकार आवास की व्यवस्था हो, उसकी उनके स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा की व्यवस्था हो, ये सारे चीज़ें निःशुल्क हो, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक कंपनियाँ हैं, औद्योगिक कंपनियों के CSR फंड है, डीमैट फंड है, इस फंड से पत्रकार आवास और पत्रकार जो भवन है उनका निर्माण करने के लिए शासन और सरकार स्तर से मांग करेंगे। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।